भाद्रपद की अष्टमी को मथुरा के कारागार में आया वो क्षण, जब देवकी माँ की गोद से लिया श्री कृष्ण ने जन्म। और इससे पहले कि कंस हर लेता कृष्ण के प्राण, वासुदेव ले चले कृष्ण को नंद के गोकुल धाम। जब वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर छोड़ा तो मैया यशोदा निद्रावस्था में थी। फिर जब यशोदा नींद से जागी तब उसने यह खबर उत्साह के साथ पूरे गोकुल वासियों को बताई। यह खबर सुनते ही गोकुल के लोग झूमने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया कृष्ण बड़े होने लगे। बड़े होने के साथ साथ नटखट भी बनने लगे और उनकी नटखटता से मैया यशोदा हर वक्त परेशान रहने लगी। सृष्टि समाई, उन्होंने अपने जीवन में और कई सारे भूमिकाएं निभाई। सखा सुदामा के कृष्ण, पंचाली के भाई, अर्जुन के साथी भी कृष्ण, राधा के प्रेम की परछाई। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। ये कृष्ण की जीवन की गाथा नहीं है, ये सारे संसार का जश्न। सांसें श्रद्धा में झुकती हैं जब मन गाए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।